हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना। गाइस, दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम एंड एज यूजुअली मैं आपको जैसा मैंने आपको कल एक तरीका सिखाया था उसी तरीके से इस स्कीम को भी लेके आऊंगा आपके सामने, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो चीजें जो कि हमें लॉजिकली याद रह सकती हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू दोज थिंग्स जिसको हमें याद करना है that has to be memorized, right? So चलिए start करते हैं with the discussion of the scheme. So what is the name of the scheme, guys? प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। So from the name we can derive the objective. जो इसका objective है वो हम निकाल सकते हैं इसके नाम में से। Like again there are three words, लघु व्यापारी and मानधन। लघु का मतलब क्या होता है guys? Small। लघु means small, व्यापारी means trader and मानधन means मनी विद रिस्पेक्ट। एंड मनी विद रिस्पेक्ट हमें कब मिलता है? जब हम रिटायर हो जाते हैं। तो मनी विद रिस्पेक्ट जब हमें कब मिलता है? जब हम रिटायर होते हैं, और रिटायर होने पे हमें क्या मिलता है? पेंशन। सो मनी विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? पेंशन। सो द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर गाइज कि द स्कीम इज अ पेंशन बेनिफिट स्कीम फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स, ऑलराइट। और अगर आपका अगर एग्जाम में इंग्लिश में इसका नाम आ गया तब तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। हिंदी में इसका जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक नेम है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ऑलराइट। So, अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की तो इट इज क्लियर नाउ कि इट इज अ पेंशन स्कीम फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स, बिकॉज द वर्ड लघु मीन्स स्मॉल, व्यापारी मीन्स ट्रेडर्स एंड मानधन मीन्स मनी विद रिस्पेक्ट जो कि हमें रिटायरमेंट के बाद मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद गाइस वी ऑल नो हमें क्या मिलता है? पेंशन। सो इट इज अ पेंशनर पेंशन बेनिफिट स्कीम फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री। सो आई होप आपको अब इसको दोबारा से ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, राइट। एंड गाइज इफ यू टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री, सो अगर हम बात करते हैं स्मॉल ट्रेडर्स और पेंशन स्कीम की, सो स्मॉल ट्रेडर्स के नाम से हमारे दिमाग में दो मिनिस्ट्री आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडर भी है और स्मॉल भी है। तो दो मिनिस्ट्री हमारे दिमाग में आनी चाहिए, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दूसरा MSME, ऑलराइट। बट ये स्कीम इन दोनों में से किसी में से भी नहीं है। Why? मैं आपको बताता हूं क्यों। बिकॉज ये जो स्कीम है, आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ऑलराइट। नाम सुना होगा पीएम श्रम योगी मानधन योजना। सो दिस स्कीम इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएम श्रम योगी मानधन योजना, बिकॉज दोनों के नाम जो है वो भी बिल्कुल सेम है, प्रधानमंत्री दोनों में है, मानधन योजना दोनों में है, ओके। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ताकि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सके, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर द मिनिस्ट्री ऑफ दिस स्कीम, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज हेडेड बाय संतोष कुमार गंगवार एंड हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बरेली, ऑलराइट। नाउ लेट मी रिपीट दिस थिंग। सो मिनिस्ट्री हम कैसे याद रखेंगे गाइस? क्योंकि ये जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का एक्सटेंशन है, एंड श्रम योगी का मतलब क्या होता है? लेबर। तो अगर लेबर की स्कीम है तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगी? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर होगी। एंड इफ द रिक्वायर्ड स्कीम यानी कि लघु व्यापारी मानधन योजना इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, सो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मिनिस्ट्री होगी विल बी सेम एज पीएम श्रम योगी मानधन, ओके, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसलिए नहीं है बिकॉज ये एक पेंशन बेनिफिट स्कीम है, और MSME मिनिस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जो काम है MSME को बड़ा करने का काम है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम है इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल, राइट। इनका काम पेंशन देना बिल्कुल भी नहीं है। सो MSME मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ये दोनों के दोनों नहीं हो सकते। देयर कैन ओनली बी वन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यस, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे अगर ऑप्शन में कहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाए, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो कंफ्यूजन है या किसी भी और मिनिस्ट्री का जो कंफ्यूजन है वो आई थिंक आपको क्लियर होगा, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएम श्रम योगी मानधन एंड श्रम योगी मीन्स लेबर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, सो इसकी जो मिनिमम एज है दैट इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम इट इज 40 ईयर्स। मिनिमम एज कितनी है गाइस? 18 ईयर्स, मैक्सिमम कितनी है? 40। अब मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं गाइस? वी ऑल नो कि कोई भी अगर हमें गवर्नमेंट कोई कार्ड वगैरह बनाना होता है, कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो उसकी मिनिमम एज क्या होती है? 18 साल, राइट। लाइक पैन कार्ड की मिनिमम एज 18 है, डीएल की मिनिमम एज 18 है, वोटर आईडी की मिनिमम एज 18 है, तो इन सभी की मिनिमम एज क्या होती है? 18। सो जो हमारा स्कीम है पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना, अब जो व्यापारी होता है उसकी भी मिनिमम एज क्या हो सकती है? 18 हो सकती है, बिकॉज 18 से कम में तो हमारे देश में
कोई भी इंसान वर्क नहीं कर सकता, वो फिर चाइल्ड लेबर वाली चीज हो जाएगी, राइट। सो मिनिमम 18 साल उसकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 इयर्स, ओके। सो मिनिमम का आई होप आपको क्लियर है, मैक्सिमम यू हैव टू रिमेंबर, राइट। एंड वन मोर थिंग दैट अगर कोई व्यापारी, अगर कोई ट्रेडर इज अ ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऑफ एनी ऑफ दीज ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस, पीएम, श्रम योगी मानधन, सो और या फिर वो अगर इनकम टैक्स पेयर है तो वो इस स्कीम का बेनिफिशियरी नहीं बन सकता, ठीक है। अब इस चीज को हमें कैसे याद रखना है, गाइज, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो एनी पर्सन कैन अवेल ओनली वन पेंशन स्कीम एट अ टाइम, राइट। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो है वो केवल एक ही पेंशन स्कीम को अवेल कर सकता है एक समय में। सो अगर कोई पर्सन पीएम श्रम योगी मानधन में है तो वो पीएम लघु व्यापारी मानधन में नहीं हो सकता, अगर कोई किसान मानधन में है तो वो लघु व्यापारी में नहीं हो सकता, अगर कोई लघु व्यापारी मानधन में है तो वो किसान मानधन में नहीं हो सकता, राइट। एंड इफ अ पर्सन इज एन इनकम टैक्स पेयर, अगर वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पेयर है तो उसको पेंशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो इतना कर सकता है कि अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है इफ ही इज एन पर्सन हु कैन पे इनकम टैक्स, राइट। सो इनमें से कोई भी अगर किसी स्कीम का वो पर्सन बेनिफिशियरी है सो ही विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ पीएम लघु व्यापारी मानधन, एंड इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, राइट। एंड जो इसके अंदर टर्नओवर है दैट इज गाइड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड हियर लेट मी टेल यू वन थिंग इन दिस पॉइंट कि जो जीएसटी नंबर है, अगर मान लो कि कोई ट्रेडर है जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उसको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, दैट इज वी ऑल नो, ओके। सो गाइस दिस इज द थिंग्स दैट वी कैन लर्न लॉजिकली, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, लॉजिकली कर सकते हैं। लाइक इसका ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया, इसकी मिनिस्ट्री हमने कर ली, इसकी एलिजिबिलिटी हमने कर ली और इसका जो टर्नओवर है वो भी हमने कर लिया, राइट। सो दीज फोर थिंग्स वी हैव डन लॉजिकली। अब आई थिंक इसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको दोबारा पढ़ना भी पड़ेगा तो इट विल टेक लेस देन 1 मिनट आई गेस टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स जो कि मैंने आपको बताई है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू हैव टू मेमोराइज, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्च ईयर इसका कौन सा है, 2009। अब देखो ऐसा है कि अगर इस साल पेपर होता है 2020 में तो अगर ये स्कीम का लॉन्च ईयर पूछा जाएगा देन दैट इज वेरी इजी टू आंसर बिकॉज पिछले ही साल लॉन्च हुआ है, इन द मंथ ऑफ जुलाई इसको लॉन्च किया गया है, ओके। इसी महीने पिछले साल लॉन्च किया गया है, तो अगर इस साल ये स्कीम आई तो फिर इसमें से इसको इजिली आंसर किया जा सकता है बिकॉज पिछले ही साल लॉन्च हुई है। बट हाँ, अगर 4-5 साल बाद आती है तो इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन गाइस, सो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इज 55 इफ अ पर्सन एंटर्स एट द एज ऑफ 18 एंड मैक्सिमम इज 200 इफ ही एंटर्स एट द एज ऑफ 40। 40 की एज पे एंटर करने पे मिनिमम जो मैक्सिमम है कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 200 एंड 18 की एज पे एंटर होने पे इट इज 55, राइट। एंड सेम अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो क्या होती है, मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। सो मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। और तो टोटल जो है, मान लो कि अगर कोई पर्सन एट द एज ऑफ 18 एंटर करता है इनटू द स्कीम, सो जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी तरफ से जाएगा दैट विल बी 55 फ्रॉम हिज साइड एंड 55 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, दैट इज 110। एंड इफ एट द एज ऑफ 40 अगर वो एंटर करता है तो 200 उसके, 200 सेंट्रल गवर्नमेंट के, सो टोटल उसका कितना जमा हो जाएगा, 400 रुपए, ओके। एंड जो मिनिमम मंथली पेंशन है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 दैट इज ₹3,000, 3,000 रुपए मिलेंगे 60 साल का हो जाने के बाद। एंड द पेंशन फंड मैनेजर फॉर दिस स्कीम गाइस इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेनिफिशियरी है इस स्कीम का, अगर उसकी डेथ हो जाती है, सो उसकी डेथ के बाद अगर उसका स्पाउस है तो उसके स्पाउस को जो 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन है वो एज बेनिफिट मिलेगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ द सब्सक्राइबर डाइज द स्पाउस ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन, राइट। ये 50% आपको ये नंबर बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है। 50% ऑफ द पेंशन स्पाउस को मिलेगी इफ द सब्सक्राइबर डाइज। एंड द एनरोलमेंट एजेंसी गाइज फॉर दिस इज कॉमन सर्विस सेंटर का स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया था। इसके लगभग 3 लाख से ज्यादा सेंटर्स हैं कॉमन सर्विस सेंटर के, उनके थ्रू एनरोलमेंट कोई भी पर्सन ले सकता है। एंड दिस स्कीम का टारगेट था कि लगभग 3 करोड़ बेनिफिशियरीज को बेनिफिट पहुंचाना है, 3 करोड़ स्मॉल ट्रेडर्स को बेनिफिट पहुंचाना इस स्कीम का टारगेट था, राइट।
सो गाइस दिस वाज अबाउट द स्कीम. आई होप आपको ये स्कीम क्लियर है. जो हमारे लॉजिकल पॉइंट्स थे वो भी क्लियर हैं, जो थिंग्स टू रिमेम्बर थे वो भी क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो कि इस स्कीम से आ सकते हैं आपके सभी एग्जाम्स में. राइट, सो क्वेश्चन नंबर वन इज पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग पेंशन टू द स्मॉल ट्रेडर्स. इट इज अंडर एम्बिट ऑफ विच मिनिस्ट्री. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सो मैंने आपको इसका कंफ्यूजन ऑलरेडी क्लियर कर दिया था गाइस कि ये जो स्कीम है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएम श्रम योगी मानधन एंड श्रम योगी स्टैंड फॉर लेबर. सो इट कम्स अंडर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री. सो इफ इट कम्स अंडर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, सो पीएम लघु व्यापारी मानधन भी किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन डी. Which organization is the pension fund manager of the scheme? So we have recently discussed ki jo iska pension fund manager hai, that is what? LIC. LIC is the pension fund manager of the scheme. Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana. Now next question is what is the respective minimum and maximum contribution amount in the scheme? So at the age of 18 agar koi person enter karta hai to usko 55 rupees dene padte hain. और अगर एट द एज ऑफ 40 वो अगर एंटर करता है तो उसको कितने देने पड़ते हैं? 200 रुपए. सो गाइस द मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? 55 एंड मैक्सिमम इज 200. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ अ सब्सक्राइबर ऑफ द स्कीम डाइज द स्पाउस ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव हाउ मच परसेंट ऑफ द पेंशनर्स फैमिली पेंशन. अगर इस स्कीम का सब्सक्राइबर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका स्पाउस होगा उसको कितना परसेंट पेंशन मिलेगा जो उसके स्पाउस को मिल रहा था? राइट, सो अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है. द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 50%. उसको 50% पेंशन मिलेगा एज द फैमिली पेंशन. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर अ ट्रेडर कैन हैव इफ ही और शी वांट्स टू एनरोल हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द स्कीम. अगर कोई ट्रेडर अपने आप को इस स्कीम में एनरोल करना चाहता है तो उसका मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए? सो गाइस मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए इसमें? ऑप्शन ए 1.5 करोड़. सो ऑप्शन ए 1.5 करोड़ इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप आपको ये स्कीम क्लियर है, आपको जो हमारा नया मेथड है वो भी पसंद आ रहा है. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.